हेस्टिंग्स मोड पर मार्च कर रहे छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। साथ ही बैरिकेड्स पर फिसलन के लिए ग्रीस भी लगाया गया है, जिससे छात्र पुलिस का पैरा तोड़ ना पाए। बंगाल पुलिस की तरफ से बड़े कंटेनर भी रखे गए हैं, जिसका इस्तेमाल छात्रों को रोकने के लिए किया जा सकता है। तो ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर कंटेनर है, बैरिकेड्स पर ग्रीसिंग की गई है, रास्ते की किलेबंदी कर दी गई है, और ये सब इसलिए क्योंकि छात्रों ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। दो उन्होंने रूट्स तैयार किए हैं जहां से वो प्रदर्शन करने वाले हैं, लेकिन इस प्रदर्शन को लेकर टीएमसी की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से एतराज जाहिर किया गया है। और किस तरीके से किलेबंदी कर दी गई है कोलकाता के अंदर, ये आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। तो टीएमसी की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है, देखिए आप किस तरीके से किलेबंदी जो है पूरे रास्ते की कर ली गई है, ताकि छात्र जो हैं वो नबानो जो ममता बनर्जी का कार्यालय है वहां तक ना पहुंचे। क्योंकि लगातार टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि जब इस पूरे मामले की जो छानबीन है या इस पूरे मामले में जो कार्रवाई सीबीआई कर रही है, तो राज्य सरकार पर इस तरीके के सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं या राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी क्यों जाहिर की जा रही है, इस तरीके के बयान जो है टीएमसी की तरफ से सामने आए। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से सड़क पर कंटेनर्स रखे गए हैं, बैरिकेड्स पर ग्रीसिंग की गई है, रास्ते की किलेबंदी पूरी छावनी में तब्दील कर लिया गया है। जो दो रूट्स जहां से छात्रों ने कहा है कि वो आगे बढ़ेंगे नबानों तक, वहां तक आप देखिए कि किस तरीके से पुलिस का पहरा फिलहाल आपको नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस के जवानों की यहाँ पर तैनाती की गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा सड़क पर कंटेनर्स रखे गए हैं, बैरिकेड की ग्रीसिंग की गई है, और ये सब प्रदर्शन रोकने के लिए हो रहा है। आशिका हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आशिका, जिस तरीके की तैयारी की गई है, ये प्रदर्शन तो छात्र कर रहे हैं, छात्रों ने कहा है कि कोई राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं है, ना हम उनसे मांग रहे हैं, ये प्रदर्शन हमारी तरफ से है, फिर इस तरीके की किलेबंदी क्यों की जा रही है, ऐसा क्या हो गया? देखिए, कहते हैं ना कि तस्वीरें बोलती है, सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाती रहूं। जो बैनर है वो भले ही राजनीतिक नहीं है, पॉलिटिकल है, लेकिन पूरी तरह से इसे लेकर के राजनीति हो रही है। देखिए, ये सबसे पहली तस्वीर, यहाँ पर कंटेनर लगाए गए हैं कोलकाता पुलिस की तरफ से, कंटेनर, और ठीक इसके पहले देखिए दो स्तर आपको नजर आएंगे, बांस का बैरिकेड, उसके ऊपर लोहे का बैरिकेड, और साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको तस्वीर एक और दिखाते हैं। आपको ये लोहे के खम्भे नजर आ रहे हैं, ठीक यहाँ पर नीचे देखिए आपको नजर आएगा, यहाँ पर सीमेंट से इसे जड़ दिया गया है, मतलब सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कोलकाता पुलिस की तरफ से है। यहाँ से आगे कोई भी आंदोलनकारी नहीं बढ़ सकता है। लगातार कोलकाता पुलिस की तरफ से यहाँ पर माइकिंग की जा रही है कि अगर जो भी रैली, जो भी मार्च आता है, जो भी आंदोलनकारी है वो शांत रहते हैं तो उन पर कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन क्योंकि इसके आगे नबानों का इलाका शुरू होता है, मुख्यमंत्री का कार्यालय है, मुख्यालय है राज्य का, तो वहां पर बाई डिफॉल्ट धारा 163 लागू होती है, जिसके तहत यहां से आगे जमायत करने की अनुमति नहीं होती है। यही कारण है कई नबानो अभियान मैंने भी यहां पर देखे हैं, एक से बढ़कर एक हिंसा की तस्वीरें, लेकिन कंटेनर लगते हुए पहली बार देख रही हूं। और सिर्फ इस तरफ नहीं, आपको मैं वहां उस तरफ की तस्वीरें दिखाती हूं ले चल करके मोनिका, वहां भी आपको नजर आएगा कि एक कंटेनर उस तरफ भी लगाया गया है। तो कोलकाता पुलिस कोई भी कोताही बरतने को तैयार नहीं है। ये नबानो अभियान जो है, भले छात्रों की तरफ से इसकी घोषणा हुई हो, लेकिन भाजपा ने, कांग्रेस ने नैतिक समर्थन दिया है। देखिए यहाँ पर किलेबंदी की तैयारी जो चल रही है वो हम आपको दिखाएं। पुलिस के आला अधिकारी हर रूट पर, हर तरफ रूट हम आपको बता दे। देखिए, एक रैली जो कॉलेज स्क्वायर से शुरू होगी, वहां से धर्मतल्ला, धर्मतल्ला से ईडन गार्डन, ईडन गार्डन से आगे हेस्टिंग्स, और जो हेस्टिंग्स की तरफ बढ़ने का रास्ता, ठीक उसके पहले, ब्रिज पर चढ़ने के पहले ये किलेबंदी, उनको यहीं पर रोक दिया जाएगा। एक और रैली जो दूसरा हुगली सेतु है, जिसके ठीक लगा हुआ नबानो है, देखिए ये सेतु की शुरुआत होती है वो जगह हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से थोड़ी ही दूर नबानो है, इस ब्रिज की दूसरी तरफ से दूसरी रैली आएगी सातरागाछी से, उसे ब्रिज के उस पार रोक दिया जाएगा, और ठीक वहां भी ऐसी ही तैयारी, तस्वीरें होंगी। देखिए बैरिकेड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोहे के ये बैरिकेड जो कि बिल्कुल हिलाने से हिलने वाले भी नहीं है, ये यहाँ पर तैनात होंगे जो भी आंदोलनकारी हैं, ठीक ये जो जगह है इसको किसी भी तरह पार न कर सकें। बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि सवाल तो यही